आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑप्शंस चेन देख करके आप ऑप्शंस में मच मोर बेटर ट्रेड कर पाएंगे। तो हम ऑप्शन चेन डेटा के साथ कुछ टेक्निकल एनालिसिस, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज करेंगे एंड जिसके थ्रू हम बाजार में और आसानी से और एफिशिएंटली ट्रेड कर पाएंगे। सो शुरू करते हैं। सो ऑप्शन चेन अगर हमको एक्सेस करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से एक्सेस कर सकते हैं, आईकार्ड से भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड कौन सा ऐप में रियल टाइम ऑप्शन चेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक पार्टिसिपेंट के लिए जो भी कॉन्सेप्ट के साथ साइन अप है, तो आप भी ये ऑप्शन चेन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि काफी आसान है रीड करने में, जो हमारा ट्रेडिंग को बहुत एफिशिएंट बनाता है। तो ठीक है, अभी डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। ये हमको बता रहा है लेफ्ट हैंड साइड कॉल ऑप्शंस का डेटा, राइट हैंड साइड पुट ऑप्शंस का डेटा। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है ऑप्शन चेन में, तो ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट डेटा, जिसे मैं बहुत फॉलो करता हूँ। एंड काफी सिंपल डेटा है ये समझने के लिए, जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जहाँ कहीं पर भी सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है वो मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा पुट कहाँ है, सबसे बड़ा पुट है 44,000 पे, सबसे बड़ा कॉल का है, सबसे बड़ा कॉल भी है 44,000 पे। तो जब कुछ ऐसा सिनारियो आता है तब उसे हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पर आ चुका है, यानी कि कॉल एंड पुट स्ट्राइक, जो सबसे बड़ा कॉल एंड पुट स्ट्राइक है, जो मेजोरिटी ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स है वो सेम स्ट्राइक प्राइस पर आकर खड़े हुए हैं पहला, एंड दूसरा बाजार भी सेम लेवल पर आकर खड़ा हुआ है। तो अभी ऐसा कुछ सिनारियो आता है आपके स्क्रीन पर, तब आपको क्या करना है? सिंपल है, आपको ब्रेकआउट का वेट करना है कोई भी एक साइड पर। हमेशा याद रखिए, अगर बैंक निफ्टी का प्राइस भी एटीएम है, हाईएस्ट कॉल एंड पुट भी एटीएम पर बना है, देन आपको क्या करना है, आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं बनाना है, आपको वेट करना है कोई भी साइड पर एक ब्रेकआउट आने के लिए। ब्रेकआउट ऊपर के साइड आता है देन तेजी का इंडिकेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये सारे कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे। अगर ब्रेकआउट मंदी के साइड पर आता है, अगर ब्रेकडाउन आता है चार्ट पर, देन ये सारे पुट राइटर ट्रैप होंगे। ठीक है, क्यों ट्रैप होंगे ये? क्योंकि जो कॉल राइटर है वो ये सोचकर बेचा कि बाजार ऊपर नहीं जाएगा, तो जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा उसका पोजीशन ट्रैप हो जाएगा, बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिल सकता है। मंदी के साइड पर पुट राइटर है जो बेच रहा है, काफी ज्यादा पुट राइटर ने बेचा है, क्यों बेचा है? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि बाजार उसके नीचे नहीं जा पाएगा। जैसे ही बाजार उसके नीचे जाता है एंड सस्टेन करता है, देन वहां से हमको एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है डाउन मूव पे। ठीक है, अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि 44,000 यानी एग्जैक्टली 44,000 क्या? नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर, राइट? यू कैन कीप 100 पॉइंट्स बफर ईयर अंदर, यानी कि ये टेक्निकल डेटा के जैसे आपको एकदम ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट लेवल यहाँ से घूम जाएगा, बट मोर और लेस 44,000, मोर और लेस जहाँ कहीं पर भी हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट है वहां से हम एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन, हाईएस्ट कॉल रेजिस्टेंस, हाईएस्ट पुट सपोर्ट। सेकेंड थिंग, अगर एटीएम पर ही हाईएस्ट कॉल एंड पुट है, Hey traders, QuantsApp has simplified option trading analytics for you. Click the link in the description box below, complete your sign up process and access the most advanced option analytical tools in the entire industry. Thank you. तो हम वेट करेंगे एक ब्रेकआउट आने पे कोई भी एक साइड पर, एक ब्रेकआउट आकर सस्टेन करने तक का हम वेट करेंगे। जैसे ही वो ब्रेकआउट सस्टेन हो जाता है वहां से एक हमको अच्छा मूव देखने मिल सकता है। कोई भी साइड पर ब्रेकआउट आना चाहिए, बट मूव आना जरूरी है, जबरदस्ती प्रियम्प्ट कर नहीं करना है कोई चीज को। अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर साइड देन तेजी का इंडिकेशन है, अगर ब्रेकआउट नीचे साइड पर आता है मंदी का इंडिकेशन है। ट्रेड सिंपल है, जो ये सबसे ज्यादा कॉल एंड पुट स्ट्राइक क्रिएट किया है, सबसे ज्यादा कॉल एंड पुट बेचा गया है लोगों के द्वारा, वो फेल होने का हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, मतलब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट स्ट्राइक कहाँ है अभी के लिए? बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट स्ट्राइक है 44,000, यानी कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट लेने का एंटिसिपेट कर रहा है? मार्केट लेना 44,000 के आसपास एक सपोर्ट लेने का एंटिसिपेट कर रहा है। सो लेट्स से चार्ट पर जाकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। बाय द वे, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता ही होगा, बट स्टिल, कि आज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स ने 44,000 के आसपास से ही हमको एक रिकवरी देखने, मतलब लो 44,000 का था एंड वहां से हमको एक थोड़ा सा अप मूव देखने मिला। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी गिरता गया पूरा दिन यही पर, ये कितना ड्रास्टिक फॉल आया, राइट? एंड वो कहाँ जाकर रुका? व्हाट इज द लो? 44,070, एंड वहां से थोड़ा हल्का रिकवरी हमको देखने मिला। मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि ये हमेशा उधर ही जाकर रुकेगा, बट मोर और लेस जहाँ कहीं पर भी हाईएस्ट पुट है, मोर और लेस वहां पर हमको ये देखने मिल सकता है ऐसा कुछ सिनारियो। तो अभी
इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम, तो एक और चीज हम कर सकते हैं, ये हमको ये इंफॉर्मेशन पता होने के बाद कि हाईएस्ट कॉल रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट पुट सपोर्ट है, तो हम एक टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं जो है बॉलिंजर बैंड, जो जनरली हमको जो इंस्ट्रूमेंट है उसका मूवमेंट हमको बताता है, उसमें वोलेटिलिटी जो है एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, बेसिकली कितना वोलेटाइल है, अगर ये बैंड एक्सपांड हो रहा है दैट मींस ज्यादा वोलेटिलिटी है, अगर ये बैंड ऐसे स्क्वीज हो रखा है, अगर ऐसे बहुत कॉन्ट्राडिक्ट है दैट मींस कि वोलेटिलिटी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप ये बैंड एक्सपांड हो गया तो वोलेटिलिटी बढ़ रहा है बाजार में, जहाँ कहीं पर भी ये बैंड ऐसे नैरो हो जाता है ना, तो लेट्स जस्ट फाइंड कि अगर ये बैंड कहीं पर नैरो हो रहा है क्या, सो बैंक निफ्टी है तो देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कहीं पर देखेंगे ये जोन में, तो देखिए तो ये देख लीजिए राइट, तो ये स्क्वीज हो गया है, तो ये आपको बताएगा कि बाजार में वोलेटिलिटी कितना है, बैंड एक्सपांड हो रहा है इंडिकेशन ऑफ मोर वोलेटिलिटी, बैंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इंडिकेशन ऑफ लेस वोलेटिलिटी, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है बेसिकली, +1 स्टैंडर्ड, +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, +-2 स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड ये जो लाइन है वो मीन है, सो इट इज नथिंग बट अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, कि बीच का लाइन आपको 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लाइन है। तो अभी सिंपल है, ये आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा है कि ऊपर साइड में बाजार यहाँ तक जा सकता है, नीचे साइड में बाजार यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, ये आपको रेंज निकाल कर दे रहा है। बट रिसेंटली हमने क्या देखा गया है कि एक मूविंग एवरेज जो है 20 पीरियड का, वो भी एक अच्छा इंडिकेशन होता है ये आइडेंटिफाई करने में, एक एक रेंज आइडेंटिफाई करने में, स्पेसिफिकली अगर हम बॉलिंजर के साथ देखें, देखिए ये अपर एक्सट्रीम है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि इसके ऊपर मतलब ये बैंड के बीच में डेटा रहेगा बेसिकली। तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स हम क्या करते हैं कि ये बीच वाला लाइन जो है, ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है, उसे हम कंसिडर करते हैं एज एन इंडिकेटर कि ओके अभी ये तो बहुत दूर हो जाएगा 43,500, तो इसीलिए हम 43,500 से पहले इसको एज अ पिवोटल सपोर्ट कंसिडर करते हैं, जो बीच में लाइन होता है। तो इस तरीके से जा करके अगर आप देखेंगे ये भी कहाँ आ रहा है, ये भी मोर और लेस 44,000 पर आ रहा है, हाईएस्ट पुट भी बोल रहा है 44,000, एक मूविंग एवरेज जो है वो भी बोल रहा है 44,000, राइट, जो बॉलिंजर बैंड के बीच में है वो भी आपको कह रहा है 44,000। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है 44,000 से, देखिए एग्जैक्टली जहां पर ये बीच का लाइन प्लेस्ड है वहीं से बैंक निफ्टी में हमको अप मूव देखने मिला। तो सिंपल है, आप ऑप्शन चेन डेटा के साथ एक कोई भी आपका टेक्निकल इंडिकेटर है उसे आप कंबाइन कर सकते हैं, मेरे केस में मैंने बोलिंजर के साथ दिखाया आपको, आप कोई और चीज के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। एक और चीज बता देता हूँ मैं आप लोगों को, लेट्स से ये लेवल है, ठीक है, जो कुछ भी ये लेवल है, सो इट इज मोर और लेस 44,600, ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि ओके बोलिंजर आपको कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है इंस्ट्रूमेंट के लिए। अगर मुझे नजर आता है कि हाईएस्ट कॉल भी ये लेवल के आसपास है, तो मेरे लिए क्लियर है ना कि रेजिस्टेंस यही बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम दो तीन इंडिकेटर को कंबाइन करके हमारे एनालिसिस के लिए काफी सारा एक्शनेबल पॉइंट्स के लिए ढूंढ सकते हैं, दो चार चीजों को मर्ज करके, क्योंकि मार्केट में कैसा है ना कि कोई भी चीज जैसे आप देख रहे हैं वैसे के वैसे इंप्लीमेंट होनी ही चाहिए, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, राइट, यू कैन ऑलवेज ट्वीक अराउंड विद द सिस्टम्स एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑप्शन चेन डेटा में कॉन्सेप्ट में एक और इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हैं, सो से 15 जून एक्सपायरी, तो देखिए ये अभी व्हाट इफ एनालिसिस है, तो व्हाट इफ एनालिसिस क्या है कि लेट्स से अगर आपने ट्रेड बनाया एंड देन यू फील लाइक यू नीड टू कैरी दैट ट्रेड, कि आपको लगता है कि ये ट्रेड को कैरी करना पड़ सकता है, आपने इंट्राडे में ट्रेड बनाया बट आपको लग रहा है कि ओके अभी जो मूव आना था वो आया नहीं है, आप ट्रेड में खड़े रहना चाहते हैं, बट ऑप्शंस में वैल्यू डीके होता रहता है टाइम के वजह से, सो हम व्हाट इफ एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, बेसिकली ब्लैक एंड शोल मॉडल जो है उस पे काम करता है, हमको ऑप्शन प्रीमियम प्री कैलकुलेट करके बताता है। सो लेट्स से मुझे अगर देखना है कि कोई एक ऑप्शन है, मैं अगर मंडे तक होल्ड करता हूँ 10:50 के आसपास, हम स्पेसिफिक टाइम भी दे सकते हैं, 10:50 के आसपास अगर मैं होल्ड करता हूँ देन मेरा ऑप्शन का वैल्यू क्या होगा, तो ये कह रहा है 78 रुपीज कॉल से कम होगा, 77 रुपीज पुट से कम होगा, देन ये हमको पूछ रहा है कि आपका आईवी से क्या उम्मीद है, मैं कह रहा हूँ कि ओके आईवी जो है 4-5% से कम हो जाएगा, लेट्स से 5% से कम हो जाएगा, तो देखिए 88 88, बट मैं कह रहा हूँ मेरा अंडरलाइन पे ये व्यू है, बैंक निफ्टी के भाव पर ये व्यू है कि 44,500 जा सकता है बैंक निफ्टी, तो मैंने क्या किया है मेरा एक्सपेक्टेशन बताया एनालिटिक को, एंड एनालिटिक ने सामने मुझे प्राइस करके बताया,
कैलकुलेट करके बताएं। जैसे कि ये आपको बताना चाहता है कि 178 रुपीज ये प्रीमियम ऊपर जाएगा, ये बताना चाहता है कि 234 रुपीज ये प्रीमियम नीचे जाएगा। सो ट्रेड बनाना भी हमने देख लिया, हाईएस्ट पुट हाईएस्ट कॉल मेजर लेवल्स है, तो इसमें ट्रेड कैसे बनाएंगे? हाईएस्ट कॉल के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक तेजी नहीं है, या तो फिर हाईएस्ट पुट के नीचे नहीं गिरता है तब तक। सेकंड चीज हो सकता है कि आपको इक्विलिब्रियम देखने मिले कि सेम स्ट्राइक पर हाईएस्ट कॉल एंड पुट है, एंड एटीएम भी वहां पर है, स्टॉक का भाव भी वहां पर है, तो वेट करेंगे हम कोई भी साइड पर मूव आने के लिए। सेकेंड थिंग और थर्ड थिंग, हम बॉलिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं एक अपर एंड लोअर रेंज निकालने के लिए। एंड लास्टली एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं ऑप्शन चेन व्हाट इफ एनालिसिस के साथ। सो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जरूर से एक्सेस कीजिए कॉन्सेप्ट का ऑप्शन चेन एंड बाकी सारे एनालिटिक्स, एंड एक डेटा ड्रिवन ट्रेडर बनने का जर्नी स्टार्ट कीजिए आज ही अभी इसी वक्त।